लॉकडाउन के सिचुएशन में भाई खेसारी की बड़ी दाढ़ी मूंछ, तो आपने इससे पहले खेसारी को ऐसे लुक में कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, खेसारी लाल यादव का ऐसा लुक आपने पहली बार देखा होगा इतने सालों में, क्योंकि खेसारी ने अभी तक तो किसी भी अपनी फिल्म में तक ऐसा लुक नहीं रखा है। और रही बात पवन सिंह की, तो भाई पवन सिंह की मूंछें पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और दाढ़ी भी बढ़ चुकी है। अब भाई अगर सलून नहीं खुलेंगे तो स्थिति तो यही होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप मनोज तिवारी की तरफ चलते हैं, तो भाई मनोज तिवारी आजकल अपने घर में बैठकर घी, नमक और चावल खा रहे हैं। जी हाँ, वो ये भी बता रहे हैं कि ये उनका पसंदीदा भोजन है। और जब उनके गरीबी का दौर था तो तकरीबन 10 से 15 साल तक उन्होंने यही खाना खाया है। हाँ, घी की जगह तब वो राई का तेल यूज़ किया करते थे। वैसे भाई स्टेटस भी बढ़ गया है तो राई के तेल की जगह अब घी ने ले ली है। खैर, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ की तरफ। भाई लॉकडाउन के सिचुएशन में अगर कोई बिंदास ज़िंदगी जी रहा है तो कोई और नहीं, दिनेश लाल यादव निरहुआ है। आप देख लीजिए, वो घर में ही बार्बर बन जाते हैं और अपने बच्चों के भाई हेयर कट कर देते हैं। अगर बात भोजपुरी हीरोइनों की जाए तो आम्रपाली दुबे हों, अक्षरा सिंह हों, काजल राघवानी हों या फिर अंजना सिंह हों, सभी इन दिनों कुकिंग क्लास ले रही हैं। जी हाँ, आम्रपाली भी अपने घर में कुछ ना कुछ नया बनाती रहती हैं। अक्षरा सिंह तो अपने ब्लॉग तक पे भी वो बता रही हैं कि वो क्या कर रही हैं, क्या नया खाना बना रही हैं। और फिर काजल राघवानी तो भाई आजकल छाई हुई हैं किचन में, अपनी मम्मी का हाथ बटा रही हैं, कोई ना कोई नई डिश सीख रही हैं। तो वहीं अंजना सिंह अपनी बेटी को एक्सरसाइज करना सिखा रही हैं। भाई देखा किस तरह से हमारे भोजपुरिया स्टार फिल्मी सेट पर हों या ना हों, अपनी लाइफ को बिजी रखना बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर सरकार ने कहा है कि उन्हें घर में रहना है तो भाई वो घर में ही रहते हैं। यहाँ तक कि हेयर कट के लिए सलून जाना तक भी सब ने अवॉइड कर दिया। वैसे तो ऐसे सिचुएशन में सब कुछ बंद है, लेकिन फिर भी दाद देनी पड़ेगी कि ऐसे सिचुएशन में सभी ने इस क्वारंटाइन टाइम में, इस लॉकडाउन सिचुएशन में सारे नियमों का पालन किया है। तो इसलिए हमारे भोजपुरिया स्टार सभी, जितने भी उनके दर्शक हैं, फैंस हैं, बार बार कह रहे हैं कि इस लॉकडाउन सिचुएशन का पालन करें ताकि कोरोना की चैन टूट सके। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।